हैं गुरु जी आपको ये जरूर बताना चाहिए, मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी की बेटी की बेटा की मंगल है, लोग कहते हैं आज खड़क योग लगा हम करेंगे तो हमारा एक विधवा हो जाएगी बेटी, कोई कहता हमारा बेटा ही सीताराम हो जाएगा भाई उस लड़की के चक्कर में, तो क्या करना चाहिए? कोई मंगल होगा तो शादी नहीं होगी क्या? यदि हमारे पास 20,000-50,000 रुपए ना हो गृह शांति के लाने तो क्या विवाह नहीं होगा? इसके लिए साधारण उपाय, हमारे यहां पहले मलेरिया में ब्लड जांच चलती थी, वो हल्का सा पिन लगाते थे और हल्का दबाते थे और कांच में लेते थे। इसी प्रकार के तरीके से आपका दान का दान, किसी की जान बची, किसका किसी का भी कैसा मंगल ग्रह बिगड़ा हो, कैसे ही मंगल नाराज हो, आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही हो, मंगली लड़का नहीं मिल रहा है, तो नजदीक के डॉक्टर के यहां जाकर के जो डॉक्टर उस ब्लड को किसी गरीब को समय पर उपलब्ध करा दे, वहां जाके एक पाउच ब्लड दे दीजिए, आपका मंगल का दोष खत्म, और उसमें से दो बूंद जमीन पर टपका दीजिए, हम गारंटी देते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल भला ही दिखता रहे लेकिन मंगल का दोष नहीं लगेगा और आपके जीवन में हानि नहीं होगी, कुंडली सफल होगी, व्यवहार सफल हो जाएगा। एक पाउच ब्लड में जनत में लोक कल्याण थे, इसके लिए तो शासन भी अपील करती है कि भैया सबको एक एक पाउच अपने जन्म उत्सव के टाइम पर किसी विशेष अवसर पर गरीबों के लिए एक ब्लड बैंक में जमा कराए, तो आप ऐसी जगह जमा करा दीजिए जहां निःशुल्क मिल जाए और समय पर मिल जाए, और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी शादी में कोई घटना हो जाए तो पंडोकर सरकार में आकर के पट्टियां चिपका देना कि महाराज जी आपने बताया था, इसके करने के बाद मैंने आपके कहने पे किया और हमारे जीवन में हानि हुई, मैं गारंटी देता हूं। इतना ठोक के कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, ये दरबार की यही तो खासियत है, जब बताते हैं तो ठोक के बताते हैं, प्रमाण से बताते हैं, कैसे भी कुंडली बिगड़ी हो, कोई भी ग्रह तुम्हारा प्रतिकूल हो, हमने इतने आपको तरीके दे दिए हैं, ये सब हमारी प्राचीन पद्धतियों के जो पूज्य गुरुदेव द्वारा और वृद्धजनों के मुख से जो प्रसाद प्राप्त हुआ है वही प्रसाद मैंने आप सबको वितरित कर दिया है। कोई भी चीज को रोकना नहीं चाहिए, संसार में चलते रहना चाहिए, सर्कुलेशन में रहना चाहिए। तो आप सभी लोग पंडोकर सरकार के दरबार देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार दरबार में आप सभी भक्तगण श्री पंडोकर सरकार दरबार के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और ऐसे ग्रुपों में जरूर डालें जिससे लोगों को लाभ मिले, किसी गरीब को लाभ मिले, किसी असहाय व्यक्ति को प्राप्त हो और उसको प्राप्त हो जो उपाय तलाश रहा है, भटक रहा है, जगह जगह धक्के खा रहा है, में आते हैं तो एक दूसरे से जरूर संस्मरण लेना चाहिए कि आप आए आपको कैसा लगा। हां इतना जरूर ध्यान रखना, जब तक वो हमसे मिला नहीं तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता, और मिलने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति आपको सिंगल नहीं मिलेगा जो कहते पंडोकर सरकार ने कहा वह गलत और हम उससे संतुष्ट नहीं है। हां संतुष्ट एक व्यक्ति नहीं हो सकता कि कोई इतना पोथी लेके आया हो, 100-200 पेज भर के लाया हो, 10-50 प्रश्न लिख के लाया हो और चाहत में आया हो कि गुरु जी से एक घंटा बैठ के बातें करेंगे, गप सड़ा के मारेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आया होगा, अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई आया होगा, और यदि वह व्यक्ति बाहर टिकट टिप्पणी कर रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो पंडोकर सरकार का 1% ऐसा कोई मिलेगा नहीं, 100 में से 0-0 आएगा और हजारों में 1 हो सकता है, 100 में तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आप 5,000 लोग हैं इस समय या 1,000 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 1 आदमी नहीं मिलेगा, हजारों पे 1 मिल सकता है, क्योंकि सबको संतुष्ट एक साथ किया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके अनेक अनेक प्रकार के दिमाग है, मैं तो 50 ग्राम का व्यक्ति हूं, 50 ग्राम की सोच है, आप लोगों के तो पास 1 kg, 2 kg के दिमाग हैं, हमारे पास तो 10 ग्राम का भी दिमाग नहीं है, लेकिन 10 ग्राम का दिमाग आप लोगों पर हावी है, भारी है और आपको समझा रहा है, यही तो बाबा का दिमाग है, कि इस बाबा ने इस दिमाग को मजबूत करके बड़े बड़े दिमागदारियों को सोचने को मजबूर कर दिया, और यह सोचने को मजबूर कर दिया कि पंडोकर सरकार में ऐसा क्या है जो लोग यूं बैठे हैं सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जगह जगह टीवियों पर देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण है श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की कृपा। इस समय दरबार में 1 घंटा करीबन होने जा रहा है, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, यानी 45 मिनट हो चुके हैं, इसलिए आप चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि दरबार 8:20 तक चलता है, लाइव चैनल 8:30 बजे तक चलता है,
और मैं सुबह 24 अवस्था आपसे मुलाकात करता हूं, और आज मैं विलंब से बैठा हूं इसके लिए श्री पांडुगढ़ सरकार की चरणों में प्रार्थना करता हूं ऐसा विलंब मेरे द्वारा ना हो, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं फ्री बैठना, क्योंकि फ्री बैठते हैं वो लोग हैं जो बुद्धिल होते हैं, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती है, जो कुछ कर नहीं सकते। हम कर सकते हैं, करा सकते हैं, जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन कर रहा हूं, अपने जीवन परिवर्तन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले समय में आवश्यकता है परिवर्तन की, और आवश्यकता है दरबार से आपके जीवन में परिवर्तन करके परमात्मा की ओर प्राप्ति कराने की। इसलिए दरबार आपको कुछ करने की, कुछ सोचने की ताकत देता है। इसलिए पांडुगढ़ सरकार दरबार से संदेश यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोग श्री पांडुगढ़ सरकार का दरबार लाइव देखते हैं। श्री पांडुगढ़ सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से पराशक्तियों के विषय पर आप दरबार देख पा रहे हैं। पांडुगढ़ सरकार दरबार आपको निरंतर यह बताता है कि कुछ तो है जिसको दुनिया नमन कर रही है, कुछ तो ऐसा है कि पांडुगढ़ भूमि पर लोग भागते चले आ रहे हैं। ऐसे भागते चले आ रहे हैं जैसे कीड़े पतंगे लाइट की रोशनी पाकर भागते हैं, ऐसे ही पांडुगढ़ की लाइट के सामने मानव रूपी बुराइयों के से लदे हुए वो बुराइयां पांडुगढ़ सरकार की ओर भागती आ रही हैं कि मुझे समाप्त करके मुझे कुछ ऐसा बना दें जिससे कि हम भी कुछ प्रकाश कर सके। इसलिए पांडुगढ़ सरकार दरबार में पहली पर्ची की ओर चलते हैं, और संदेश में श्री पुष्पावती गंगा में जो भक्त स्नान करता है कहते हैं कि पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो रहा गोशस्तम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से 1000 गांव का पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त यहां 3 दिन का विधान करता है उसका पूरा कुल पवित्र हो जाता है। जो दीपदान करता है नारियल श्रीफल को, वहां फल को तोड़ देता है तो पूर्वजों को शांति मिलती है, और पूर्वजों को बलि मिल जाती है, भोज मिल जाता है, और वो भूत योनि में से तृप्त हो जाते हैं, अपना पेट भर लेते हैं और लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करते। इसलिए घाट पर नारियल जरूर तोड़ना चाहिए। यह पुष्पावती घाट हो या किसी भी तीर्थ हो, वहां दीपदान करने के बाद अपने पूर्वजों के नाम से नारियल जरूर तोड़ देना चाहिए, तो उनको बल प्राप्त हो जाती है, ताकत प्राप्त हो जाती है, भोज प्राप्त हो जाता है, जिसको बलि शब्द कहा गया। बोलिए पांडुगढ़ सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पांडुगढ़ सरकार की, श्री अतिमान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री अंगोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा मैया की, जय जय श्री राम।